एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, बट आई नो इस टफ सिचुएशन में ये कहना कि मैं मजे में हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टफ सिचुएशंस एंड टफ लोगों के साथ ही हमारा पेशेंस लेवल चेक होता है और इसी टाइम में हमें पता चलता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। आप भी कहेंगे आज तो मैंने व्लॉग शुरू होते ही प्रवचन देना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली रिसेंटली मैंने एडवांस मेडिटेशन कोर्स किया है तो उसका कुछ तो असर बनता ही है। जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने AMC कोर्स किया था उनके लिए दर्शन चक्र क्रिया फ्री में सिखाई गई, तो आज वही क्लास मैं यहाँ पे अटेंड कर रही थी। आप लोग मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते थे, माई एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल वंडरफुल एंड वंडरफुल। आर्ट ऑफ लिविंग के हर कोर्स ने हर बार मुझे कुछ नया ही सिखाया है और हर बार मैंने खुद में कुछ नया चेंज फील किया है। आप लोग भी जानना चाह रहे थे कि कोर्स क्या है और उस दौरान मेरी रूटीन क्या थी, तो ये तो मैंने बताया ही था कि ये 3 डेज साइलेंट मेडिटेशन कोर्स है। लिख के या इशारों में भी आप बात नहीं कर सकते, तो ये स्ट्रिक्टली उनके रूल्स थे कि आपको बात नहीं करनी है। सेकेंडली डीप मेडिटेशन सेशंस थे विद कंफर्टेबल ब्रेक्स। वैसे तो ये कोर्स किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही होता है जहाँ पे 4 दिन आपको उसी जगह पे रहना होता है, लेकिन कोविड की वजह से अब ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है क्योंकि उसी एनवायरमेंट में उन्हीं लोगों के साथ उसी किचन में साइलेंट रहते हुए खुद पे फोकस करना है। लेकिन जितने ज्यादा चैलेंजेस हम फेस करते हैं उतना ही हम अंदर से और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो इस कोर्स में कंफर्टेबल ब्रेक्स भी थे जिस दौरान आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कनेक्ट रहते हुए अपने ज़रूरी काम निपटा सकते हैं। तो मैं उन ब्रेक्स में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सिर्फ खाना रेडी करती थी, इसके अलावा मैं और किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बाकी का सब काम सबने मिलके हैंडल किया, लाइक अ सपोर्टिंग फैमिली, यू नो। एनीवेज बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ निकाला अंदर से, समझ लीजिए सब कुछ खाली कर दिया। माइंड टॉक्सिक होने लगे तो मेडिटेशन से बेटर कोई मेडिसिन नहीं है, और मेडिटेशन आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। बाय द टाइम एंड प्रैक्टिस ये अपने आप होती चली जाती है। सो लिव इन योर प्रेजेंट। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहने वालों की तो सिर्फ कट रही होती है, क्योंकि जिंदगी तो वही जीते हैं जिन्हें आज में रहना आता है। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन थोड़े से शब्दों में सब कुछ कवर करना मुश्किल है। सो आर्ट ऑफ लिविंग का ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, में आपको ऐसा बहुत कुछ मिलेगा जिससे धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। आप फिजिकली और मेंटली काफ़ी स्ट्रांग फील करेंगे। एनीवेज ज्ञान बहुत हो गया, तो बढ़ते हैं आज की डेली रूटीन की तरफ। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। गुड मॉर्निंग। क्लास है तुम्हारी? चलो, आज क्लास नहीं है, चलो उठो शाबाश। गुड मॉर्निंग, उठो, चलो, हो गई है मॉर्निंग। 8:30, कम ऑन फास्ट। मार्च में जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ हमारा ब्रेकफास्ट बंद हो चुका था क्योंकि कोई रूटीन नहीं बन रही थी। तो आप सब भी जानते हैं कि हम लोग डायरेक्ट लंच कर रहे थे, वो भी 12 से 1 बजे के बीच में। लेकिन अब दोबारा से वही रूटीन वापस आ गई है और 3 मील बनना शुरू हो गए हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी ही होना चाहिए, तो मेरी कोशिश यही होती है क्योंकि मुझे खुद भी हेल्दी खाना होता है, तो सबके लिए हेल्दी बनाने की ही कोशिश करती हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं मूंग दाल चीला। मूंग दाल चीला की रेसिपी के साथ साथ और भी कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो आओ, चलो खाना खाएंगे, जल्दी आओ, आ जाओ स्टफू। जैसा कि मैंने बताया कि इस रेसिपी की डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं इस रेसिपी के बारे में ब्रीफ में बताऊं तो रात भर मैंने मूंग दाल को सोक किया था। यहाँ पे मैंने साबुत मूंग ली है, सुबह उसको ग्राइंडर जार में डालेंगे हम जिंजर और गार्लिक के साथ। ग्रीन चिलीज उसमें ऐड कर सकते हैं, आप पालक के पत्ते ऐड कर सकते हैं या फिर धनिया पत्ता ऐड कर सकते हैं। उसे ग्राइंड करके उसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे और उसके बाद अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स को चॉप करके हम उसमें ऐड कर देंगे और नॉनस्टिक तवा पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करते करते हम चीला रेडी कर लेंगे। काम करते करते सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो हम अफसोस करने बैठते हैं कि नया कनेक्शन जोड़ के काम को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली फिल्ड सिलेंडर कनेक्ट कर, छोटे छोटे एग्जांपल्स को हम अपनी लाइफ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सिचुएशंस और टफ लोग हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं और हम इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तब हमें ज़रूरत होती है मेडिटेशन की, जो कि दोबारा हमें एनर्जी फिल करती है और हम बेटर परफॉर्म करते हैं। दिखाना अपने, ज़रा दिखाना ऑडियंस को अपने बाल, हाँ दिखाओ जरा,
अभी मैं आज अगर तुमने बाल नहीं कटवाए फाइनली, तो मैं शाम को तेरी चोटियां बनाऊंगी और इसी तरह से वीडियो में डालूंगी। चोटियां नहीं बन सकती? मैं तो को बना के दिखाऊंगी बेटा। नहीं बनवानी है तो बाल कटवा के आएगा तू आज हर हाल में, तो तेरे बाल में पक्का चोटियां बनाऊंगी और आराम से बन सकती हैं। यहाँ पे मैं ऐसे रबर बैंड लगा दूंगी। चिल्ले खाने के बाद यहाँ पे बच्चों का बनाया हुआ बर्गर खाया जा रहा है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, मिल न सके जो इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तुम गा सकते हो ये गाना मेरे लिए? चलो फिर गाओ। सिर्फ कहने से नहीं होता, हाँ मैं गा सकता हूँ। मैंने ये गाना तुम्हारे लिए गाया है, एक डिसीजन लिया है रात को, तुम दोनों की एक डांस परफॉर्मेंस लेडी संगीत पे, दोनों की एक। हाँ कुछ भी कर लिया है सॉन्ग। मैं तो कर लूंगी, वो नहीं करेगा उधर। प्लीज बच्चे, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, ट्राई तो करना। आज ग्रॉसरी शॉपिंग का प्लान भी है, इसीलिए ब्रेकफास्ट और जरूरी क्लीनिंग के बाद मैं और मम्मा रेडी हो गए। कुलदीप जी और उदय जा रहे थे हेयर कट करवाने, तो जाते वक्त वो हमें ग्रॉसरी शॉप ड्रॉप कर देंगे और वापसी में हमें पिक करते हुए आएंगे। ग्रॉसरी शॉपिंग जाते वक्त मैं लिस्टिंग कैसे करती हूँ ताकि कोई चीज़ डबल ना आ जाए और ज़रूरी चीज़ रह ना जाए, उसके लिए दो डिटेल वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, तो उन वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा ग्रॉसरी शॉपिंग की एक लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो ग्रॉसरी शॉपिंग की मेरी फाइनल लिस्ट है, उसमें मैंने हर एक चीज़ लिखी हुई है, तो उसको सामने रखते हुए मैं अपनी मंथली लिस्ट रेडी करती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ही शॉपिंग करती हूँ। और जब तक हमारी शॉपिंग और बिलिंग कंप्लीट हुई, तब तक उदय और कुलदीप जी भी वापस आ चुके थे। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी वो थी हेयर कट की। तुझे कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। ना 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 ना। मामा आ गई। चिची खाएगा। जाने से पहले वेजिटेबल पुलाव बना के गई थी, तो बस अब लंच करके मेरा थोड़ी देर नैप लेने का मूड है। और अब बारी आती है शाम की चाय की, और टी स्नैक में बना रही हूँ मैं मूंग दाल और पनीर के सैंडविचेस। सैंडविचेस के लिए मूंग दाल का थोड़ा सा पेस्ट मैंने रख लिया था, उसके बाद उसमें मैंने ऐड किया है पनीर क्रश करके, साथ ही डाला है थोड़ा सा हरा धनिया, प्याज डाला है बारीक बारीक काट के, उसके बाद उसमें नमक डाला है, चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर। शाम को चाय के साथ अगर ठीक ठाक स्नैक्स ले लिए जाएं तो कई बार डिनर करने का मन भी नहीं करता, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। डिनर इतना कम करें या फिर फ्रूट के साथ ही काम चलाएं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहता है और वेट लॉस जर्नी में भी काफी हेल्पफुल होता है। यहाँ चाय मैंने चढ़ा दी है और ब्रेड स्लाइसेस पे टोमेटो केचप लगाने के बाद मैंने वो मिक्सचर अप्लाई कर दिया है। अब थोड़े से व्हाइट तिल मैंने इन पे स्प्रिंकल कर दिए हैं, इससे सैंडविचेस थोड़े क्रिस्पी बने रहते हैं। उसके बाद नॉनस्टिक तवा पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और वन बाय वन सारे पीसेस को उसके ऊपर पलटते जाएंगे, दोनों तरफ से सेक लेंगे और हमारे मूंग दाल पनीर सैंडविचेस रेडी हैं। इतने बड़े बड़े ना, एक तो होते हैं पिंपल, एक होते हैं पिंपल के पापा दादा, ये सब वो निकल रहे हैं। ऐसा क्यों मान जाता है कि जो मेल जेंडर होता है वो बोल्ड हो सकता है, फीमेल्स बोल्ड क्यों नहीं हो सकती? मैं एक फेमिनिस्ट हूँ और मैं सपोर्ट करता हूँ फेमिनिज्म को, ठीक है? आप लोग कैसे बोल सकते हो ये? क्या हो सकता है ये चाची हो, ये हो, ये मम्मा या दादी हो? नाइस।
सुबह मेरे को बोला था मामा आज मैं एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ, तो मैंने सुबह आपको उठते ही पूछा पहले मेरा घोड़ा जो है वो इंजर्ड है, मेरा घुटना जो है वो इंजर्ड है, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मेरे घुटने को चोट ना लगे, आपने बताया है। आई आस्क्ड यू ना, यू डिड नॉट टेल मी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक्स फॉर टेलिंग मी माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टफू। चलो जाओ घूमी घूमी। गाइस हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रेड का पीस बचा है, सिर्फ एक ही, कोई हमें ब्रेड डोनेट करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, तो अडॉप्टेड है सफी, तो अडॉप्टेड है। कान खड़े हो गए थे और वो लेटा हुआ था पहले, और मैंने उसको एकदम से बोला वो उठ के बैठ गया। क्या बोली दी थी? हमारी फैमिली का नहीं है तुझे हमने अडॉप्ट किया है, वो समझ नहीं आती है बात, तुम्हारे से दिखता भी नहीं है, अलग से खाना बनता है सभी, तेरे को इक्वालिटी नहीं मिलती घर में। तुम लोगों के पास कितना वेला टाइम है ना। अडॉप्टेड है। ये क्या तरीका है, इधर आजा। चल तो अब व्लॉग का एंड करते हैं पैकिंग करने से। पैकिंग किसकी? मेरी और जैस्मिन की, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 2 दिन के ट्रिप पे। अभी हम बैग रेडी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।